68वां जन्मदिन मनाती मायावती ने क्या वो ऐलान कर दिया जिससे 2024 में इंडिया गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में थोड़ी चिंता और बढ़ गई है। हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। क्या मायावती ने वो ऐलान अपने जन्मदिन पर किया जिससे अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की डगर और कठिन हो सकती है? गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है। मायावती को लगता है कि किसी के साथ मिलकर लड़ने से उनका वोट नहीं बढ़ता बल्कि दूसरे फायदा उठाते हैं, लेकिन क्या यही सच है? 2014 में बहुजन समाज पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ती है लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाती। 2022 में विधानसभा चुनाव बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ा और केवल एक विधायक मायावती का जीत पाया। 2019 में मायावती ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जिसमें बीएसपी 10 सीट यूपी में लोकसभा की जीत जाती है। पुराना इतिहास भी बीएसपी का ऐसा रहा जहां गठबंधन करने पर बीएसपी को ही ज्यादा फायदा मिला, लेकिन फिर भी मायावती प्री पोल नहीं पोस्ट पोल अलायंस की बात करती हैं। किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है, लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि ऐसे में अब पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन देने वाली नहीं। मायावती ने निश्चित तौर पर गठबंधन क्यों किसी पार्टी के साथ नहीं किया इस वजह को अगर समझे, अखिलेश यादव यूपी में इंडिया गठबंधन के भीतर फ्रंट रोल और सीट पर हैं। मायावती की राजनीति किसी और को फ्रंट सीट पर रखने देखने की नहीं है। मायावती के एकमात्र विधायक यूपी में है तो सीट के बंटवारे में बहुत भाव इंडिया गठबंधन में मायावती की पार्टी को मिलता नहीं, इसीलिए चुनाव के बाद किसके साथ जाना है वाली बात मायावती ने कही, न कि चुनाव से पहले गठबंधन की। मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। विधानसभा में वो लड़ी थी, एक सीट आई थी अकेले लड़ने पे। छोड़िए, परिस्थितियां फर्क है, राष्ट्रीय चुनाव है। जो भी होगा, अगर वो चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल होना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। अब सवाल है, मायावती अकेले लड़ेंगी तो फायदा किसका, क्या बीजेपी का? क्योंकि मुख्य रूप से दलितों के वोट में जाटा वोट ही मायावती की ताकत है। बीएसपी का ये मुख्य वोट और मुस्लिम उम्मीदवार निश्चित तौर पर तीसरा केंद्र अब उत्तर प्रदेश में बनाएंगे जिसकी वजह से वोट का बंटवारा होगा। विपक्ष के वोट बंटने से फायदा बीजेपी को ही मिल सकता है।